क्या आपने ऐसी ट्रेन देखी है जिसमें टीटी सुंदर महिलाओं के साथ करते हैं ऐसे काम? तो दोस्तों, आज हम आपको भारत की 5 सबसे लग्जूरियस ट्रेन्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको 5-स्टार सुविधाओं के अलावा सुंदर लड़कियां भी फ्री में मिलती हैं। नंबर 5, महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन। यह ट्रेन सन 2010 से भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली एक लग्जरी ट्रेन है। इस एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा दिल्ली से शुरू होकर आगरा तक जाती है, फिर यह भारत के अन्य हिस्सों में भी जाती है, जहां पर हेरिटेज साइट्स और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों जैसे मध्य प्रदेश के खजुराहो में शानदार धरोहर स्थल, जयपुर के महल, रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान और वाराणसी जैसी जगहों पर ले जाती है। इस ट्रेन का डिजाइन और इंटीरियर बीते युग के शाही राजाओं के महलों को ध्यान में रख के किया गया है। इस ट्रेन में बने हुए केबिन विशेष रूप से राजस्थान तथा उत्तर मध्य भारत की समृद्ध विरासत को दिखाते हैं। महाराजा एक्सप्रेस की सहायता से आप सच में एक राज्य सी दुनिया में यात्रा करने का अवसर पाते हैं, जो आपको वहां के साम्राज्य और भूमि के बारे में तथा भूले हुए शहरों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। नंबर 4, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कुछ अलग ही उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इस एक्सप्रेस ट्रेन को IRCTC द्वारा बौद्ध पर्यटकों के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अपने यात्रियों को बौद्ध धर्म ग्रंथों की शिक्षा से भरी यात्रा पर ले जाना है। यह ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होती है, फिर राजगीर, गया, नालंदा, कुशीनगर, वाराणसी आदि जगह जो कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है, वहां पर होते हुए दिल्ली में ही वापस आती है। पर विदेशियों के लिए इसमें यात्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यात्रा में एक दिन नेपाल का दौरा भी शामिल होता है, इसलिए उन्हें नेपाल का वीजा लेना भी जरूरी होता है। नंबर 3, रॉयल ओरिएंट ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन को 1994 में गुजरात पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे दोनों ने साथ में शुरू किया था, जो कि गुजरात और राजस्थान के बीच चलती है और यहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि साबरमती आश्रम, लेक पैलेस, गिर वन्य जीव अभयारण्य और हवा महल आदि जगहों पर ले जाती है। हालांकि शुरुआती वर्षों में तो ट्रेन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद के वर्षों में सन 2007 से यह अच्छा कार्य कर रही है। इस ट्रेन के यात्रियों को 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। साथ ही यहां राजस्थानी, गुजराती, भारतीय चीनी आदि अलग अलग जगह की डिसीज स्पेस करने वाले बहुत से रेस्टोरेंट भी है। इस ट्रेन के प्रत्येक केबिन को बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया है। हर केबिन में म्यूजिक चैनल स्पीकर होता है, जिससे कभी भी आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। साथ ही आपकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए एक अटेंडेंट भी हमेशा मौजूद रहता है। हालांकि अगर आपको ये सब नहीं पसंद है और आप पढ़ना लिखना पसंद करते हैं, तो आपको इस ट्रेन में एक लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, जहां आप विभिन्न प्रकार की बुक्स को पढ़ सकते हैं। नंबर 2, फेरी क्वीन ट्रेन। दोस्तों, ये 1885 में बनाया गया एक भाप से चलने वाला इंजन था। पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता के बाद ही इसे 1997 में फिर से शुरू किया गया था और ये उसी के रास्ते पर चला करती है। हालांकि यह बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसे कभी कभार ही देखा जाता है। आपको बता दें, इसे बड़ी कांच की खिड़कियों के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि लोकोमोटिव इंजन के सामने का व्यू दिखाती है। दोस्तों, 1972 में फेरी क्वीन को भारत सरकार द्वारा हेरिटेज यानी विरासत का दर्जा दिया गया। न केवल भारत में बल्कि विश्व ने भी इसे दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन का दर्जा दिया। नंबर 1, डेक्कन ओडिसी ट्रेन। इस ट्रेन को सन 2001 में महाराष्ट्र के पर्यटन को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था, इसीलिए इस शाही नीली ट्रेन का नाम महाराष्ट्र के दक्कन पठार से मिलता है। ये आपको नई दिल्ली से होते हुए महाराष्ट्र के नासिक, औरंगाबाद, अजंता की गुफाओं आदि बहुत से स्थानों पर घुमाती है। ये 5-स्टार होटल की तरह ही एक शाही सवारी है, जिसमें 21 कोच है। इस ट्रेन में एक बार में कुल 90 यात्री ही शाही सवारी का आनंद ले सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सभी सुविधाओं के साथ एक सेल फोन भी मिलता है, जिसमें सभी इमरजेंसी नंबर्स भी होते हैं। शायद ही आपको ये पता हो कि इस ट्रेन में सैलून तथा लाइब्रेरी के साथ ही फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, जो कि मुद्रा विनिमय का काम करता है, उसकी भी सुविधा मिलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डेक्कन ओडिसी ने विश्व यात्रा पुरस्कारों से सन 2014 से लेकर 2019 तक लगातार 6 बार एशिया की लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब जीता है।